आज की मुलाकात में मैं जिन शब्दों का जिक्र करूंगा वो हैं सुल्तान, सल्तनत, परिंदा, वज़ीर ख़ास, ख़म करना, अदाए बादशाही, आबाद, तादाद, मुमकिन, सूली चढ़ाना और वाकई। सबसे पहले सुल्तान, लेकिन उससे पहले बता दूं कि मैं मोइन शमसी हूं, ये चैनल माई हिंदी माई उर्दू है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये मैंने शब्द कहाँ से चुने हैं, तो यहाँ मेरी एक कविता का जिक्र करना चाहूँगा। एक नज़्म है मेरी, जो एक बच्चों की एक कहानी को मैंने कविता के रूप में डाला था, परिंदे कितने, वो कविता आप मेरे दूसरे चैनल अल्फाज आवाज़ अंदाज़ पर जाकर सुन लीजिए। और अगर उसको पढ़ना चाहें तो मेरे ब्लॉग moinshamsi.blogspot.com पर जाकर पढ़ लीजिएगा। दोनों के प्रॉपर लिंक्स मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहा हूँ। तो अब बात करता हूँ शब्दों की। पहला शब्द है सुल्तान। सुल्तान का मतलब होता है राजा, सल्तनत का मतलब होता है राज्य, परिंदा कहते हैं पक्षी को, बर्ड को, वज़ीर ख़ास का मतलब है स्पेशल मिनिस्टर यानी विशेष मंत्री, वज़ीर, वज़ीर नहीं, वज़ीर और ख़ास, ख़ास नहीं, वज़ीर ख़ास, वज़ीर ख़ास, विशेष मंत्री। खम करना, झुकाना, खम करना का मतलब झुकाना, खम करना नहीं, खम करना, झुकाना। उसके बाद अदाए बादशाही, अदाए बादशाही इसका मतलब राजाओं वाला स्टाइल, बादशाहों वाली अदा। और इसके बाद है आबाद। आबाद का मतलब है बसा हुआ होना, चहल पहल होना, जहाँ लोग हों, जहाँ भीड़ भाड़ हो, उसे कहते हैं आबाद। और फिर तादाद, तादाद का मतलब है संख्या, गिनती, नंबर, तादाद। मुमकिन इसके बाद शब्द है, मुमकिन का मतलब है संभव, पॉसिबल, मुमकिन। इसके बाद एक शब्द है सूली, और इससे बनता है सूली चढ़ाना, सूली चढ़ाना मतलब फांसी देना, सूली, फांसी देना। फिर है वाकई, वाकई का मतलब है वास्तव में, रियली, वाकई, वास्तव में, इस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये शब्द थे कुछ, मैंने इस छोटी सी मुलाकात में आपको ये शब्द बताए, इनके अर्थ बताए, और बता चुका हूँ कि ये शब्द मैंने जो लिए हैं अपनी एक रचना परिंदे कितने से लिए हैं, जो अवेलेबल है मेरी आवाज़ में मेरे चैनल अल्फाज आवाज़ अंदाज़ पर। और पढ़ना चाहें तो moinshamsi.blogspot.com पर अवेलेबल है। दोनों के लिंक्स यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए हुए हैं। अब दीजिए इजाज़त, आता हूँ लेकर बहुत जल्द एक और वीडियो। सलाम हिंदुस्तान।